हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे। भक्तों, आप सभी को पता है 10 सितंबर 2021 के दिन हम सभी गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब आपको, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, या फिर आप बिना मूर्ति स्थापना के भी, हम सभी अपने अपने घरों में उस दिन गणपति बप्पा का जन्म दिवस होता है, प्राकट्य दिवस होता है, हम उनका जन्मोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो एक समय होता है उनके बर्थ का, जिस समय उनका जन्मोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम रामनवमी के लिए भी हम टाइम देखते हैं, जन्माष्टमी रात में 12 बजे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार से ना गणेश चतुर्थी के लिए भी पूजा मुहूर्त होता है। तो इस वर्ष जो है पूजा मुहूर्त, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। इस वर्ष जो पूजा मुहूर्त का समय होगा वो होगा 11:21 AM से 1:49 PM तक। जी हाँ, मध्याह्न का समय है ये। वैसे भी फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा मे बी कि गणपति बप्पा का जो जन्म हुआ था वो दोपहर में मध्याह्न में 12 बजे हुआ था। तो अगर आप दोपहर में 12 बजे भी उनकी स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, आपके पास टोटल 2 घंटे 28 मिनट का समय है। अब हर शहर के लिए, हर सिटी के लिए समय थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। मैं आपको अलग अलग सिटीज के टाइम भी बता देती हूँ। अगर आप पुणे में रहते हैं तो आपके लिए जो शुभ मुहूर्त होगा गणपति बप्पा की पूजा का, स्थापना का, वो होगा सुबह 11:17 से लेकर के 1:45 के लिए। अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं तो आपके लिए जो सुबह समय होगा वो होगा 11:03 से 1:30 तक का। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो आपके लिए समय होगा ना वो 11:04 से 1:33 तक का होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप न्यू दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए जो समय होगा वो होगा 11:03 से लेकर के 1:33 तक का। फ्रेंड्स, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपके लिए मैंने पहले ही समय बता दिया, 11:21 से लेकर के 1:49 तक का, ये समय आप लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, अगर आपको आपके शहर का समय नहीं पता है तो आप प्लीज़ मुझे अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको शुभ समय बता दूंगी किस मुहूर्त में आपको भगवान जी की स्थापना करनी है। अब फ्रेंड्स, अगर आप मूर्ति नहीं लाते हैं अपने घर में, फिर भी आप चाहते हैं गणपति बप्पा का आशीर्वाद मिले, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, उस दिन ना आप सभी को 10 सितंबर के दिन सुबह सुबह स्नान करके व्रत धारण करना चाहिए। जी हाँ, कब तक? जब तक आप भगवान का जन्मोत्सव सेलिब्रेट नहीं कर लेते तब तक आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। जो डिवोटीज अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति लाते हैं वो तो पूरा दिन व्रत रखते हैं, दूसरे दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करके, जैसे हमारे घर में 1.5 दिन के गणपति बप्पा आते थे तो हम उस दिन पूरा दिन व्रत रखते थे और दूसरे दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद तब अपने व्रत का पारण करते थे। अगर आप चाहें तो अपने घर में, आपके घर में जो कोई भी फोटो है भगवान जी की मूर्ति है, आप उनकी पूजा करें। कैसे पूजा करनी चाहिए? बहुत सिंपल तरीके से, सुबह आप नहा करके, स्नान करके आप संकल्प लेंगे कि आप भगवान का जन्म उत्सव सेलिब्रेट करने के बाद ही पानी कुछ खाएंगे पिएंगे। इस तरह से अगर आपके शरीर स्वस्थ है, आपकी हेल्थ आपको अलाउ करी, तो आप ये रूल फॉलो करिए, अदरवाइज आप श्रद्धा भक्ति से खा पी करके भगवान का जन्मोत्सव सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर आप भगवान का अभिषेक करिए दोपहर में 12 बजे पंचामृत से, और उनकी पूजा में हम दूब घास का प्रयोग करते हैं जिसे हम दुर्वा घास कहते हैं, उसकी माला उन्हें अर्पित करिए। जासवंती के फूलों से भगवान की पूजा की जाती है, उन्हें बहुत पसंद है। वो नहीं मिल रहे हैं तो आप गुलाब के फूल, कमल के फूलों से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। प्रभु के आँखों में ना हम काजल लगाते हैं। कैसे काजल लगाते हैं? घी, गाय का देसी घी लीजिए और दूब घास को उसमें डिप करके उससे आप प्रभु के आंखों में काजल लगाइए। रियल में काजल नहीं लगाते, पर हम ये भाव करते हैं, हम घी से काजल लगाते हैं। और गणपति बप्पा को आप तिलक करिए, हल्दी का, कुमकुम का, अक्षत का तिलक करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करिए, उनको सुंदर सुंदर फूलों की माला अर्पित करिए। एक बात याद रखेंगे यहाँ पे, गणपति बप्पा की पूजा में आप सभी तुलसी दल का, जी हाँ, तुलसी दल का यूज नहीं करेंगे। और फिर आप गणपति बप्पा को सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोग लगा सकते हैं, चाहे तो आप मोदक के भोग लगाएं। वैसे तो गणपति बप्पा को ना मोती चूर के लड्डू बहुत पसंद है, या फिर आप बूंदी के लड्डू का भी भोग लगाएं,
पप्पा को बहुत पसंद है, और जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें दूर्वा दल आप डाल दें। और अगर आप चाहें तो गणपति पप्पा को खीर का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप घर में जो भी भोजन बनाते हैं उस दिन वो आप पहले प्रभु जी को भोग लगाइए, पर भोजन सात्विक होना चाहिए, लहसुन कांदा नहीं डालना है आपको। सभी चीज़ें आप अच्छे से बनाएंगे और फिर प्रभु को सर्वप्रथम भोग लगा करके 12 बजे दोपहर में फिर आप उसे प्रसाद के रूप में सपरिवार ग्रहण करेंगे। और भगवान जी का जब अभिषेक कर रहे हैं दोपहर में, तब उस समय आपको भगवान जी की आरती भी करनी है। आप सबको आई होप आरती पता है। आरती करने के बाद में कपूर से आरती जरूर करें पप्पा की। और फ्रेंड्स, इस विधि से आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल में स्थापना की विधि चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, पर्सनली कांटेक्ट करिए, मैं आपको पूरी की पूरी पूजा विधि, स्थापना कैसे करनी चाहिए, कलश स्थापना कैसे करना चाहिए, सबका सब डिटेल में बता दूंगी। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या हम खुद से गणपति बप्पा की स्थापना कर सकते हैं, मूर्ति स्थापना। देखिए, मूर्ति स्थापना अगर आपको करनी है ना, तो सबसे पहली बात आपको ब्राह्मण को बुला के कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप स्वयं से कर सकते हैं, पर आपको पूरी पूजा विधि पहले से ही पता होनी चाहिए, सारी तैयारियां पहले से आप करके रखिए, और फिर सही विधि से आप कलश स्थापना स्वयं भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके जो भी क्वेश्चन हैं पूजा विधि से लेकर के स्थापना से लेकर के उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, आप या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।